हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले वॉल पर रिपेंटिंग वर्क किस तरह से कर सकते हैं, और ये वीडियो देखकर आप वॉल पुट्टी कैसे करना है, उसके बाद प्राइमर कैसे करना है, सैंडिंग कैसे करना है, और लास्ट में पेंट भी कैसे करना है, वो सब आप अच्छे से सीख जाओगे। तो मैं सबसे पहले आपको वॉल की कंडीशन दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि मैं किस तरह से एकदम लो क्वालिटी के, आप समझ सकते हो कि एकदम लो क्वालिटी के वॉल है, वहाँ से प्लास्टर भी दिखने लगा है, पूरा कलर झड़ चुका है। ऐसे दीवार पर से मैं एक नई बेहतरीन लुक, आप पीछे ये वॉल दिख रहे हैं वैसे करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये प्राइमर था ना, वो 4 से 6 घंटे हमने सूखने दिया है, और उसके बाद इस तरह से हाथ घुमा के देखना, अगर आपको थोड़ी सी ऐसी कंकड़ या फिर लगे ना कि डस्ट वगैरह लगी, तो वहाँ पर ऐसे कोई भी यूज़ किया हुआ पेपर लेना है। जैसे कि अभी हमने ये ले रहे हैं ना, ये 220 नंबर का पेपर था और यूज़ किया है, तो ये तकरीबन 320 या 420 के आसपास बन गया है। तो इसे हमें इस तरह से अच्छे से घुमा लेना है। दोस्तों ये करने से क्या होगा, प्राइमर तो हमारा नहीं निकलेगा, पर जहाँ पर ये डस्ट वगैरह थी ना, वो सब निकल जाएगी, और उसकी वजह से हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी। तो हम पेंट करेंगे उसमें स्मूथ फिनिश के साथ लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो पेंट है ना, अभी वो तारले कंपनी का है, क्लासिक। यहाँ पर देखो, प्रीमियम ग्लो इंटीरियर इमल्सन। आप यहाँ पर अगर एक्सटीरियर में काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सटीरियर पेंट लेना है कोई भी, और इसको मिक्स करने का तरीका वो सब यहाँ पे प्रोसेस दी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये पढ़ के आप समझ सकते हो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मैं ट्रेली इसके अंदर मैं अभी निकालने वाला हूँ मेरी ज़रूरत के हिसाब से, पर अगर आप पूरा 1 लीटर बना रहे हो तो उसके अंदर फाइनल पेंट है ना, तो 300 ml से ज़्यादा पानी मत डालना, वरना पतला हो जाएगा। तो वरना कोई आपका मतलब नहीं रहेगा, कि पतला हो जाता है तो एक दो को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और तो वहाँ पर अपनी मेहनत बढ़ जाती है। तो अभी ओपन किस तरह से करना है, तो ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये इसे ऊपर खींचोगे तब भी हो जाएगा, और ये नहीं करना है। तो यहाँ पर ये सील दिया हुआ दिख रहा है, ये वाला को, ये वाली रिंग है ना, इसे इस तरह से निकलना है ना, निकल रही ना आराम से, क्योंकि ये और ये इस तरह से तोड़ते ना उसके लिए ये, और फिर फाइनल यहाँ पे आए ना। तो देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर रखना है और ऊपर की तरफ, ये हमारा खुल गया देखो। और एक और बात, जैसे कि ये हमने ढक्कन तो खोल दिया, पर उसके पहले हमें इसे अच्छे से मिलाना था, ताकि ये देख लो इसमें थोड़ा केमिकल, ये पानी पानी ऊपर तैर रहा है और नीचे लिक्विड, वो सब मिक्स हो जाए। तो इस थोड़ा सा अच्छे से फिर से बंद करते हैं और फिर मिक्स कर लेते हैं। हो गया है, इसे फिर से अभी ओपन कर लेते हैं। देखो अब देखो इसमें कलर आ गया था, तो हम इसे साइड में करके ढक्कन वाला भी जो है वो हमारा ट्रे में निकालेंगे। इसमें से भी हमें ज़्यादा नहीं, 100 ml जितना कलर चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसे निकाल लेंगे। अब इतने कलर में पानी कितना चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए ये हमें बॉटल लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी ना गिर जाए, इसकी वजह से 100 ml कलर बना रहे हो तो दोस्तों मतलब 20-30 ग्राम बहुत है। ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से हाथ से अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रश में टाइम लगता है, और हाथ से आप जो कलर के गाढ़ापन है ना वो महसूस कर सकते हो, कितना गाढ़ा है कितना नहीं, तो उसकी वजह से अगर आप हाथ से मिक्स करो तो बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा कलर देखो बन के रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि कलर को कैसे मिक्स करना है, तो मैं कलर को लगाना किस तरह से वो दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर आप ट्रे या डब्बे में लिया है ना, तो पहले ब्रश में कलर को लेना है, और इस तरह से देखो यहाँ पर जो भी बॉर्डर बनती है ना, पहले बॉर्डर खींच लेनी है इस तरह से। ये टाइल्स के आजू बाजू आप देखो किस तरह से मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, फिर नीचे भी इस तरह से हमें बॉर्डर खींच लेनी है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर बनाने का फायदा ये है कि आजू बाजू की दीवार नहीं बिगड़ेगी, और फिर बीच पे हम अपने हिसाब से जैसे भी कलर हो वैसे कर सकते हो। जैसे कि हमने ये टाइल्स वाली कर ली और नीचे वाला यहाँ तक कर लिया है, तो अब यहाँ पे हमें कलर करना है तो कुछ नहीं, ऐसे ही अपने हिसाब से जैसे भी हमें आता है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में खुद से कलर वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हो। अब बस बात याद ये रखना है कि आप अगर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ कोट लगा रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, तो आपको बस ये की कोट याद रखना है, इस तरह से पहला पूरी दीवार में ऐसे ही लगाना है। ऐसा नहीं कि
आधा इस तरफ लगाया, आधा ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा लगाया, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर हमारी बॉर्डर बाकी थी, तो वो भी मैं इस तरह से फिर से वहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ। इस तरफ भी मैं अच्छे से बॉर्डर बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो ऊपर भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, तो फिर से इस तरह से लगाना स्टार्ट करना है। ना कितना इजी आप बताओ मुझे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। मतलब डेली नहीं, 2-3 दिन में एक वीडियो तो मैं अपलोड करता हूँ जिसमें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। और ये आप लोगों की कमेंट थी कि सर हमें इसकी जो पूरी प्रॉपर नॉलेज है वो नहीं, आधी अधूरी है, तो उसके लिए मैंने पूरे डिटेल में बनाया। ब्रश का काम ख़त्म हो गया, वहाँ पे हमें ये रोलर लेते हैं कि ये कौन सा रोलर था। तो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास कॉटन का इंटीरियर रोलर है। अब ये यूज़ क्यों करना है, तो ये सब आपको लाइंस वगैरह दिख रही होगी, वो लाइंस को छुपाने के लिए ये करना है। अब आप यहाँ पर चाहो तो पेंट में डिप करके भी इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से आप थोड़ा सा कलर लगा लो, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हल्का हल्का कलर, और ये ना करना चाहो तो डायरेक्ट आप सूखा रूलर लेके भी इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि ये करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही थी ना, वो लाइन सारी चली जा रही है, और नीचे वॉल है वो एकदम स्मूथ हो रही है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, इसमें तो ये कुछ मतलब स्पंज के दाने दाने जैसा हो रहा है, तो कलर सूखने पे क्लियर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा कलर ले लिया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था ना, एक बार आप कलर ले लिया तो निकाल तो नहीं सकते रोलर से, तो उसे बाकी दिनों पे अप्लाई कर दो और फिर वापस आओ। वापस आके इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से करोगे तो वो लाइंस थी ना वो पूरी छुप जाएगी, और एक अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी। तो ये तरीका यूज़ करके आपको सेकंड कोट भी अप्लाई करना है, और इसी तरह से हमारा जो पेंटिंग वर्क का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने ये पूरा पेंटिंग का कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पर हमने सेकंड कोट भी लगा लिया है। अभी हम इसे 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने देंगे। दोस्तों अभी हम शाम के टाइम पे कर रहे थे, तो इसे हम 4 से 6 घंटे सूखने देंगे। ये वीडियो यहाँ तक ही हम एंड करेंगे। मैं तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।